हेलो फ्रेंड, वेलकम इन मेक स्टिचिंग इजी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसे बनाने के लिए ये मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है टॉप पार्ट के लिए। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फैब्रिक को, इसको मैंने विड्थ में 2 फोल्ड कर लिया है, उसके बाद 1 फोल्ड और कर लिया है इस तरह से, तो ये हमारे 4 फोल्ड हो गए हैं। तरह से देखिए, ये हमारे 4 फोल्ड हैं। और अभी हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बंद वाली साइड है वहां से हम मार्किंग करेंगे। तो बंद वाली साइड से हम यहाँ पे 13.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसमें हमारी स्लीव की भी लेंथ आ जाएगी, तो अगर आप थोड़ी सी और बड़ी स्लीव चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा ले लें। मैं यहाँ पे 13.5 इंच लूँगी, तो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 13.5 इंच पे, ये मैंने मार्क किया। और यहाँ से हम ऊपर से एक निशान लगाएंगे 7 इंच पे, तो ये मैंने 7 इंच पे मार्क किया यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पे हम कमर की लेंथ रखेंगे, तो जितनी एक्चुअल कमर की नाप है उससे हमें लगभग 4 से 5 इंच बढ़ा के लेना है, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैं 10 इंच ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने मार्क किया। और इसके बाद हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे नीचे से, यहाँ मैंने एक लाइन बना ली। और इसके बाद हम यहाँ से स्लीव तक इस तरह से गोलाई में शेप देंगे, तो हमारी स्लीव की शेप होगी इस तरह से। और अब ऊपर से लेके नीचे तक हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ये लेंथ देखिए 21 इंच आ रही है, तो हम पूरी ले रहे हैं। यहाँ पे हम 21 इंच पे मार्क कर दे रहे हैं। और यहाँ से हम इसको गोलाई में 21 इंच पर मार्क करते जाएंगे इस तरह से, 21 इंच पे हम मार्क करेंगे ऊपर तक, जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी वहां तक हम इसे मार्क करेंगे। तो इस तरह से इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं। और इसके बाद हम इसे कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो अभी हम इसे कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। अभी हम इसमें नेक की मार्किंग करते हैं। तो जो हमारी बंद वाली साइड है वहाँ से हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की विड्थ हम यहाँ पे 2.5 इंच लेंगे, यहाँ पे मैंने मार्क किया 2.5 इंच पे। और नेक डीप भी हम बैक के लिए 2 इंच लेंगे और फ्रंट के लिए 2.5 इंच लेंगे, यहाँ भी हम मार्क कर लेते हैं 2.5 इंच पे। इन पॉइंट्स को मिला लेंगे, यहाँ से हम इसे शेप देंगे। तो ये हमारा फ्रंट के लिए और ये दूसरा हमारा बैक के लिए होगा। अब इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे और इसके बाद हम इसे खोल लेंगे। इस तरह से इसे खोल लेंगे और फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके नेक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर ली है। और जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें हम थोड़ा सा हिस्सा खुला रखेंगे, तो हम यहाँ 3 इंच पे मार्क करेंगे, बिल्कुल सेंटर पे मार्क करेंगे और 3 इंच तक हम इसे कट कर लेंगे। तरह से हमने इसे कट कर लिया है।
तो उसके लिए नेक के लिए मैंने ये क्रॉस स्ट्रिप कट कर ली है, उसे हम नेक में अटैच करेंगे। तो उससे पहले हमने ये एक स्ट्रिप ली है जो हम बैक साइड में अटैच करेंगे। तो ये 3 इंच तक हम ओपन रखेंगे, यहाँ तक हम मार्क कर लेते हैं और 3 इंच तक हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से, और सीधी साइड से इसे रखेंगे, स्ट्रिप को उल्टा रखेंगे। तो देखिए हमने स्ट्रिप को अटैच कर लिया है सिलाई लगा के। अभी हम इसमें कट्स बनाएंगे और कट्स बनाने के बाद हम इसे अंदर की साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह से टर्न करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने स्ट्रिप में सिलाई लगा ली है। अभी हम इसकी नेक तैयार करेंगे। तो जो हमने क्रॉस स्ट्रिप कट की है उसे पहले फोल्ड करेंगे उसकी एज को, और उसके बाद स्ट्रिप को 2 फोल्ड करते हुए सीधी साइड से इसमें हम अटैच करेंगे। इस तरह से इसमें अटैच करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए स्ट्रिप को हम 2 फोल्ड में रखेंगे और बिल्कुल बराबर से रखते हुए इसे हम अटैच करेंगे। स्ट्रिप को बिल्कुल खींचना नहीं है। और पूरी नेक में फ्रंट और बैक इसे हम अटैच कर लेंगे, एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद इस स्ट्रिप को हम बिल्कुल अंदर की साइड टर्न करेंगे। पहले हम इसमें कट्स बना लेंगे इस तरह से, और कट्स बनाने के बाद हम स्ट्रिप को बिल्कुल अंदर की साइड टर्न करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने नेक तैयार कर ली है इसकी। और अभी जो स्लीव की कटिंग हमने करी है उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ तक दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए। तो बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए स्लीव हमने फोल्ड कर ली है। अभी हमने ये इलास्टिक ले ली है, 2 पीसेस 10 इंच के 2 पीसेस हमने लिए हुए हैं और इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे अंदर की साइड से। यहाँ से होते हुए हम कमर की साइड में इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने अटैच कर ली है इलास्टिक, और अभी हम यहाँ से लेके नीचे तक इसे सिलाई लगा के अटैच करेंगे और नीचे से इसे हम फोल्ड कर लेंगे पूरी घेर में। तो हम इसे उल्टी साइड से रख लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ पे हम हुक्स लगा लेंगे। तो हमारा टॉप का पार्ट रेडी है और अभी हम इसके बॉटम की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने ये 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया है और यहाँ से हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जो इसकी टोटल लेंथ है वो मैंने 24 इंच ली हुई है, तो ये बनने के बाद हमारी लगभग 21 इंच की रेडी होगी। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे कमर की, तो मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ, ये मैंने 7 इंच पे मार्क किया। और अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से लगभग हमारा 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड होगा जो कि हम बेल्ट इसमें बनाएंगे, इलास्टिक लगानी है हमें। तो
तो यहाँ से हम मार्क कर लेंगे आसन का। तो आसन के लिए मैं यहाँ 6.5 इंच ले रही हूँ, ये मैंने 6.5 इंच पे मार्क किया। और इसे हम मिला लेंगे ऊपर तक एक स्ट्रेट लाइन खींच के इस तरह से। और यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 2 इंच तक। और उसके बाद नीचे हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे जो मोहरी को फोल्डिंग के लिए हमने कपड़ा लिया है वहाँ एक लाइन बना लेंगे। और यहाँ से मोहरी के लिए हम 5 इंच पे मार्क करेंगे, ये मैंने 5 इंच पे मार्क किया। और इसके बाद क्रॉस में हम इसे ऊपर तक मिला देंगे, इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। यहाँ पे हम गोलाई में शेप देंगे। तो अब इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है इस तरह से। और अभी हम इसके आसन पे सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे और नीचे से इसकी मोहरी को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और मोहरी को भी फोल्ड कर लिया है इस तरह से। और अभी हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे और ऊपर से भी हमें इलास्टिक लगानी है। तो इसे हम इस तरह से हाफ इंच फोल्ड करेंगे, फिर एक और फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और इसमें मैंने इलास्टिक भी डाल दी है। तो हमारा ड्रेस रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।